तो दोस्तों, मैं एसपी त्यागी आपका अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एनटीपीसी के लिए, ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस शुरू की जा रही है। ठीक है, ये जो साइंस है आपके एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और आपका जो यूपी पुलिस वगैरह में एग्जाम्स होने वाले हैं, लेखपाल वगैरह का, बीडीओ वगैरह की जो जॉब आने वाली है, उन सभी के लिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो है हम इसमें जनरल साइंस शुरू करेंगे और जनरल साइंस में पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी आपका जो शुरुआत रहेगी वो किस टॉपिक से रहेगी, न्यूट्रिएंट्स से रहेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स टॉपिक पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं साइंस के बारे में, फिर उसके बाद हम क्या चलेंगे बायोलॉजी से जानते हुए फिर हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस क्या होता है, ठीक है ना, साइंस आप लोग जानते हो, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, क्या एक लैटिन वर्ड है जो एक शब्द हुआ करता था साइंटिया, जिससे लिया गया है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं अपने के जो हमारा जो साइंस है, ठीक है ना, साइंस जो शब्द है वो किससे लिया गया था, एक शब्द था, एक लैटिन वर्ड था, क्या था, एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम क्या था, साइंटिया। क्या नाम था, साइंटिया नाम था। तो साइंटिया से क्या बना, हमारा साइंस बना। और साइंटिया का अर्थ क्या होता था, वो होता था तुम्हारा नॉलेज। क्या होता था, नॉलेज मतलब होता था आपका ज्ञान। साइंटिया का अर्थ क्या होता था, नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता था, ज्ञान होता था। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है ना, साइंस जो शब्द था वो एक लैटिन वर्ड है जो क्या था, साइंटिया से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइंस है वो किस भाषा का शब्द होता है, तो वो आपका कौन सा भाषा का शब्द होता है दोस्तों, लैटिन वर्ड होता है। और किस शब्द से बना है साइंस, तो वो आपका शब्द कौन सा है, साइंटिया है। और साइंटिस्ट का अर्थ क्या होता है पूछ लिया जाता है, तो अर्थ क्या होता है आपका, ज्ञान होता है। तो यहाँ से आपके साइंस से जो थे वो आपके तीन प्रश्न बनते हैं, तीनों प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हुए। ठीक है, अब आगे जो बात करते हैं, अभी जो हमें कि साइंस की ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है ना, साइंस की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस की, जो विज्ञान की आपकी जो शाखाएं होती हैं, क्या करते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो यहां जो बात करते हैं, जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो आपकी क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं। विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक को बोला जाता है आपका नेचुरल साइंस, एक को क्या बोला जाता है आपका, नेचुरल साइंस बोला जाता है, और एक को आपका बोला जाता है फिजिकल साइंस। क्या बोला जाता है, फिजिकल साइंस। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और नेचुरल साइंस में क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक से संबंध है कि इसमें हमें किसका अध्ययन करना है, प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करना है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं, नेचुरल साइंस में करते हैं। तो इसमें जो हमें अध्ययन करना है वो हमें अध्ययन किसका करना है, बायोलॉजी को करना है। किसका करना है, बायोलॉजी का करना है, मतलब जीव विज्ञान का करना है। किसका अध्ययन करना है, जीव विज्ञान का अध्ययन करना है। ठीक है, अगर ये जो आपका फिजिकल साइंस है इसमें क्या है, भौतिक मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित चीजों का अध्ययन करना है, तो इसमें क्या होता है आपका, फिजिक्स आता है, और एक आपका क्या आता है सब, केमिस्ट्री आता है। क्या आता है, केमिस्ट्री आता है। फिजिक्स का मतलब होता है तुम्हारा भौतिक, और केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक विज्ञान होता है। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान हमारा इन दोनों में खत्म हो गया। अभी जो हम शुरू करने वाले थे वो करने वाले जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बायोलॉजी जा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा बेसिक हो गया क्या करना है। तो अभी जो हम करेंगे नेचुरल साइंस पढ़ेंगे, नेचुरल साइंस में भी कौन सा टॉपिक करना है, बायोलॉजी शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी पर चलते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, किसकी बात करते हैं, बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी अगर देखा जाए, बायोलॉजी जो वर्ड है किसका वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन होता है। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। कैसे होता है, बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ा गया था। ठीक है, बायो प्लस लॉजी। बायो को ग्रीक में बोला जाता था बायोस,
ठीक है, और लॉजी को बोला जाता था लॉगस। बायोस का मतलब होता था जीवन और लॉगस का मतलब होता था अध्ययन, ठीक है ना। ठीक है, तो जीवन का अगर देखा जाए, जीवन का मतलब, बायोस का मतलब होता था लाइफ और लॉगस का मतलब होता था आपका स्टडी, ठीक है। इसलिए हमारा क्या बना, अगर हम इसको कंबाइंड रूप से देखें तो क्या बना, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का अर्थ क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हिंदी में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जीवन का अध्ययन कह सकते हैं। बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाता है साहब, हमारा जीवन का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बोलें तो बोले स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीवन किसका, जीवन किस में होता है आपका, लाइफ किस में है, जिसमें हमको क्या पढ़ना होता है, प्लांट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना, और आपके एनिमल्स वगैरह पढ़ने होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस वगैरह ये सब आते हैं, सब किसे पढ़ते हैं, जिनमें जीवन है उनका अध्ययन करते हो, किस में आता है सबका अध्ययन, बायोलॉजी में आता है, किस में आता है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है। चलिए, अब बायोलॉजी का इतना हुआ, अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में भी, तो बायोलॉजी को दो शाखाओं में विभाजित किया गया था, ठीक है, बायोलॉजी को भी दो शाखाओं में विभाजित किया गया, एक तुम्हारा होता है बॉटनी और एक तुम्हारा होता है जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को आपका जो है दो शाखा में विभाजित किया गया, एक होता है तुम्हारा क्या, बॉटनी होता है, और एक तुम्हारा होता है जूलॉजी, क्या होता है, जूलॉजी होता है। जूलॉजी को बोला जाता है आपका जंतु विज्ञान, और आपका बॉटनी को बोला जाता है आपका पादप विज्ञान, क्या बोला जाता है, पादप विज्ञान बोला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर अगर एक बात करूं, अगर यहां पर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करूं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर देखा जाए तो कौन होते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी जो आपके होते हैं वो होते हैं एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर पादप विज्ञान में बात करूं तो किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बॉटनी तो कौन थे, वो थे आपके थियोफ्रेस्टस, कौन थे आपके, थियोफ्रेस्टस थे फादर ऑफ बॉटनी। ध्यान रखना, फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रेस्टस, ऐसा नहीं कि आप लोग क्या अरस्तु लगाते हो, फादर ऑफ जूलॉजी थे वो थे अरस्तु, ठीक है ना। फादर ऑफ जूलॉजी की अगर बात की जाए तो वो कौन थे आपके, अरस्तु थे, कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है ना। बॉटनी पर क्या हो गया, अरस्तु थे। बॉटनी पे एक किताब लिखी थी, मतलब इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, एक लाइफ ऑफ ट्री। इन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी, लाइफ ऑफ ट्री, ठीक है। इन्होंने दूसरी पुस्तक लाइफ ऑफ ट्री लिखी थी, तीसरी पुस्तक थी कॉज ऑफ ट्रीज, तीसरी पुस्तक का नाम था कॉज ऑफ ट्री, ठीक है ना। इन्होंने ये तीन पुस्तक लिखी थी, इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम जो लिखी थी पुस्तक, 500 पौधों का अध्ययन करने के बाद में लिखी थी, क्या लिखी थी, 500 पौधों का अध्ययन करने के बाद में लिखी थी, ठीक है। किसने, थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी, जो क्या थे, फादर ऑफ बॉटनी थे। जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी के जो फादर थे वो अरस्तु थे। इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन करने के बाद में एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया एनिमेटियम कहते हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिया एनिमेडियम कहते हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, 500 पौधों का अध्ययन करने के बाद ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा बायोलॉजी के बारे में, जूलॉजी बॉटनी के बारे में, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी कौन होते हैं, सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है ये कि फादर ऑफ बॉटनी कौन होते हैं, ठीक है। जूलॉजी का पूछा जाता है फादर ऑफ कौन होते हैं, और इनकी प्रसिद्ध बुक है, इनका भी नाम पूछ लिया गया है,
ये वाली स्टोरिया प्लांटेरम और स्टोरिया एनिमेडियम, ठीक है ना, तो याद हुआ। और अगर पूछा जाए आपसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं आपके, अरस्तु होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आया इतना, आगे चलते हैं। अब आगे जो हमें बात करना है, जबकि हमें पता था कि बायोलॉजी पढ़ना है, हमने बायोलॉजी के बारे में पूरा जान लिया साइंस से लेकर के, अब जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी में, वो है सब हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं पोषण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम हिंदी में पोषण, ठीक है। अब पोषण क्या होता है, पोषण को समझो तो पोषण क्या है, जो हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है ना, वो क्या एक पोषण है, जो मतलब हमारे दैनिक क्रियाओं को करने के लिए जो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम पोषक तत्वों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं पोषण, तो जो इसमें जो चाहिए होता है हमें, क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ। पोषण क्या होता है, हम पोषक पदार्थों का ही तो सेवन करते हैं, ठीक है। मतलब जीवों में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की जो आपका होता है बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, मतलब जैविक क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, जैविक क्रियाओं का संचालन के लिए क्या होता है, जो आवश्यक होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे पोषक पदार्थ कहते हैं। जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, दैनिक जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए क्या होता है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपके ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए, जो कोई जीव होता है उसके क्या होता है, बायोलॉजिकल जो फंक्शन होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया, क्या बोलते हैं, जो आपकी जैविक क्रिया होती है, ठीक है ना। जैविक क्रिया करने के लिए जिनका हमें जरूरत होता है, एनर्जी भी चाहिए उसके लिए, तो वो क्या होता है, हमारा पोषक पदार्थ होता है। जैविक क्रियाओं से अगर तात्पर्य देखा जाए तो क्या चाहिए, शरीर को ऊर्जा देने का काम, ठीक है, शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए। अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करूं, दूसरा कि ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, मतलब उपापचयी क्रिया में, क्रिया में मदद के लिए चाहिए, ठीक है। अगर तीसरा हम चाहिए, तो शरीर में जो आपकी टूट फूट होती है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए क्या होता है, हमको पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। अगर हम कहें तो पोषक पदार्थों के सेवन को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और पोषक पदार्थ क्या होता है, बायोलॉजिकल जैविक क्रियाओं को करने के लिए होता है, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, दूसरा उपापचयी क्रिया में मदद करना, तीसरा है आपका शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए। उपापचयी क्रिया को बोला जाता है इंग्लिश में आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हुआ आपका न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या होता है, हमको पांच चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, हमको पांच चीज़ों की जरूरत होती है। बेसिक देखा जाए तो हम इसमें क्या देखते हैं, तीन चीज़ों को बताया जाता है हमको। कौन सा बताया जाता है, एक आपको बताया जाता है कार्बोहाइड्रेट, एक आपको क्या बताया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बताया जाता है, दूसरा आपको प्रोटीन बताया जाता है, और तीसरा आपको बताया जाता है वसा, जिसे हम कहते हैं फैट, ठीक है, इसको प्रोटीन ही बोलते हैं, और इसको शर्करा बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये तीन चीज बताए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीन चीजें जो होती हैं, ये बॉडी को क्या करती हैं, ये तीनों चीजें बॉडी को आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। क्या प्रोवाइड करने का काम करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, मतलब ये शरीर को क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दो पदार्थ और होते हैं, जिसको हम क्या होता है आपका, एक वाटर, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। ये पांच ही होते हैं, ये जो दो पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। आपका जो वाटर होता है और विटामिन एंड मिनरल्स होता है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, जब हमने तीन पढ़ा कि अब हमारे शरीर को जो वाटर है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कैसे नहीं करता, और जो आपका विटामिन है, ठीक है, हमने पांच चीजें देखी, तो पहले उनको देखते हैं, फिर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो हमें बात करनी थी, हमने आपके पांच चीजें बताई,
ठीक है, क्या बताएं, पांच चीजें बताएं, पांच कौन कौन से थे जो न्यूट्रिएंट्स है आपका पांच भागों में डिवाइड था। एक आपका क्या था, एक था आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक आपका क्या था फैट, तीसरा आपका क्या था प्रोटीन, और चौथा आपका क्या था विटामिन एंड मिनरल्स, और आपका छठा क्या, पांचवा क्या था आपका वाटर था, कहें तो जल था, इसको कहें तो ये विटामिन और खनिज, ठीक है। प्रोटीन के, ये प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन ही कहते हैं, फैट को हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं जल की, तो पानी क्या करता है, पानी हमको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता। कभी आपने देखा है कि आपको मतलब प्या आपको एनर्जी की जरूरत है जब आप पानी लेते हो, नहीं ना, पानी जो होता है हमारा सिर्फ एक क्या करता है, अरे जरूरत, जो बॉडी की जो प्रोसेस होती है, बॉडी को जरूरत होती है वाटर की, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए क्या करता है, वाटर मदद करता है, ठीक है। वही काम विटामिन्स का रहता है, विटामिन्स देखा है कभी प्रोवाइड करते हैं, नहीं, इनकी कमी से हमको रोग वगैरह होते हैं, तो ये क्या करता है, उनसे हमको बचाता है, ठीक है। ये विटामिन्स जो होता है ये क्या करता है, हमको रोगों की कमी वगैरह इनकी पूर्ति के लिए हमको चाहिए, ठीक है। मिनरल्स वगैरह होता है, तो ये तो दोनों चीज़ हैं, ये हमको क्या करते हैं, कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। विटामिन्स और वाटर ये सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब उपापचयी क्रिया में क्या करते हैं, सिर्फ मदद करते हैं आपके विटामिन मिनरल्स वाटर्स, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।